या देवी देवताओं को बलि चढ़ानी चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि देवी देवता बलि मांगते हैं, लेकिन ऐसा कहीं लिखा नहीं है, किसी वेद में किसी ग्रंथ में पढ़ा नहीं है कि बलि देना, वो भी बिन बोले जानवर बलि देकर लोग खुश हो जाते हैं, अपने जीवन की शुरुआत कर देते हैं, लेकिन किसी जीव को मार कर आपका जीवन सुख में हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। कहते हैं कि पहले जब यज्ञों में बलि चढ़ा करती थी तो एक बार एक महापुरुष का जन्म हुआ जिन्हें महावीर भगवान कहा गया। महावीर भगवान ने आवाज उठाई बलि के खिलाफ, तो उन्होंने हिंदू धर्म से नए धर्म की स्थापना कर दी, जैन धर्म। जैन धर्म की स्थापना कर दी, जो लोग लोगों के साथ थे, जिन लोगों ने उनकी बात मानी सुनी वो लोग लोगों के साथ चल पड़े, उनके साथ चल पड़े। लेकिन आज के समय में देखा जाए तो हिंदू की हालत बहुत ही खराब है, बहुत ही खराब है। जहाँ देखो वहाँ पर शराब पी जाती है, जहाँ देखो मांस का सेवन किया जाता है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपने आहार को शुद्ध नहीं करेगा, और वैसे भी कहते हैं कि देवता और दैत्य में कोई फर्क नहीं होता, आहार और व्यवहार का फर्क होता है। देवता जो होते हैं, जो सज्जन पुरुष होते हैं, वो सात्विक भोजन का सेवन करते हैं, और जो दैत्य होते हैं वो तामसिक भोजन का प्रयोग करते हैं। जो व्यक्ति मांस का शराब का सेवन करते हैं उन्हें दैत्य कहा गया है, उन्हें राक्षस कहा गया है। और एक प्रकार और बताया है भोजन का, रजो, जिस भोजन में मसाले का, नमकीन का, खट्टेपन का यूज किया जाता है वो रजो भोजन होता है, और उस भोजन को करके भी केवल और केवल दुख पाना है, शरीर से पीड़ा होनी, यही दिक्कत आती रहती है। गाय यही रो 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 कहती है, महाराज मत मारो हमें, मत हमारी हत्या करो तुम लोग, लेकिन नहीं, कोई गाय को मार रहा है, कोई बकरे की बलि दे रहा है, गाय और बकरे में कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं, वो भी एक जीव है और वो भी एक जीव है। आप ये मत सोचो कि आप गाय की हत्या नहीं कर रहे हैं, बकरे को मार रहे हैं, तो भगवान आपको छोड़ दे नहीं। यहाँ तक ये बताया है कि अगर किसी जीव को मारा जाता है, जीव को पालने वाला, जीव को बेचने वाला, जीव को खरीदने वाला और जीव को काटने वाला और उस मांस को पकाने वाला और उस मांस को खाने वाला, सभी बराबर पाप के भागीदारी, सभी बराबर पाप के भागीदारी होते हैं।